यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो तुम लोग। स्वागत है तुम सबका एक और नए गेम प्ले वीडियो में। तो आज हम जर्नी करने वाले हैं आप सियालदह बालूरघाट एक्सप्रेस में, जो कि अभी न्यू न्यू लॉन्च की है। इसका फर्स्ट कमर्शियल रन था 2 जनवरी को, और हम जो है 2 फरवरी में इसका जर्नी कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो मैंने बहुत दिन पहले ही अपलोड, मतलब अपलोड नहीं, रिकॉर्ड कर लिया था। बट अफसोस, मेरा जो है एग्ज़ाम चल रहा है, तो ठीक है थोड़ा लेट हो गया आने में। अब आ चुका है तो मज़ा लो इसका, बाकी सब कुछ बताऊंगा। पहले तो ट्रेन को डिपार्ट करने दो। ठीक है, और अभी जो है हम लोग मालदा टाउन रेलवे स्टेशन को से, मतलब मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से डिपार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। और हमारा ट्रेन जो है बिल्कुल 1 घंटा लेट हो चुका है, पता नहीं कैसे। जो भी लोको पायलट मालदा टाउन तक लाए हैं उनको ही पता है, कुछ कारण होगा। हमें तो 1 घंटा लेट मिला है, तो देखते हैं इसे बुनियादपुर तक, मतलब कितने बजे तक पहुंचा सकते हैं, ताकि ये उतना ज़्यादा लेट ना हो। ठीक है, तो चलो धीरे धीरे। और ये जनरल का सीन देख लो एक बार, कैसा लग रहा है। ये धीरे धीरे डिपार्ट कर रहे हैं मालदा टाउन को। और अगर आज कहीं आपको अगर सिग्नल रेड दिखने को मिला ना, तो वो समझ लेना कि मतलब सिग्नल का एरर है। हमको ऑलरेडी परमिशन मिल गया हेडक्वार्टर से, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जो है सिग्नल खराब होके रखा है। तो कोई नहीं, हम धीमे धीमे चल लेंगे अपनी ओर। और फिलहाल जो है मालदा टाउन के कार शेड को आप देख सकते होंगे, राइट साइड में है। ठीक है, शायद से कुछ रेक्स वगैरह भी मतलब खड़ा करके रखा है, देखेंगे सबको। तो इधर में जो है हम सफ़र का एसी और रेड एलएचबी का स्लीपर क्लास जो है खड़ा करके रखा गया है। और सामने और भी है, आईसीएफ भी है। ठीक है, आईसीएफ भी दे सकते होंगे आप। और ये फिर से रेड एसी आ गया एलएचबी का। तो बहुत सारे रेक्स मतलब खड़ा करके रखे गए हैं। और ये उत्कृष्ट का जो है स्लीपर, और उसके साथ फिर से इसी 3 टायर एलएचबी का। तो ये कुछ नज़ारा है मालदा टाउन के कार शेड का। अब चलो अपनी ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे। और ये वेलकम टू एनएफआर का जो बोर्ड था वो आप देख सकते होंगे। ठीक है, तो अभी जो है हम लोग एनएफआर पे एंटर कर चुके हैं। जिनको एनएफआर का मतलब फुल फॉर्म नहीं पता है, वो मतलब जान लो गूगल से, क्योंकि मैं भूल गया हूँ, कुछ नॉर्थ फोर्टनाइट रेलवे ऐसा कुछ था। ठीक है, ठीक से पता नहीं है, मुझे भी देखना पड़ेगा। और अभी तो फ़िलहाल जो है मालदा, ओल्ड मालदा जंक्शन आने वाला है, मैं बात करता हूँ आपसे वहाँ पर। और पहले पहले जो है तुम लोग ये कर्व देख लो, बहुत सुंदर लग रहा है। फिर बताओगे कि ये नहीं दिखाया, वो नहीं दिखाया, तो देख लो। ठीक है, पूरा रियलिस्टिक वाला फील आ रहा है यहाँ पर। और सामने कोई ब्रिज भी आ रहा है, तो देख लो। फिर मैं बात करता हूँ आपसे ओल्ड मालदा जंक्शन पर। और यहाँ पे जो है डाउन शीलघाट टाउन कोलकाता काजीरंगा एक्सप्रेस जो है हमको क्रॉस कर चुकी है ओल्ड मालदा के आउटर पे। और तो बताओ यार कैसा लगा क्रॉसिंग। और ये कोलकाता जाती है या हावड़ा जाती है, मुझे पता नहीं है ठीक से, दोनों में से एक जाती होगी। ठीक है, तो कमेंट में बता देना, शायद से कोलकाता या हावड़ा, कुछ भी मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मेरा काम था दिखाना, मैंने दिखा दिया। ठीक है, तुम लोग बताओ कहाँ जाता है। अभी जो है फिलहाल क्रॉस करते हैं मालदा टाउन को, ए सॉरी ओल्ड मालदा जंक्शन को।
तो बताओ यार, कैसा लगा ओल्ड मालदा को स्किप करते हुए? एकदम फ्लैट 100 के लिमिट, 100 के स्पीड में शायद से। और आज जो है न्यू एक LHB ट्रैक साउंड एक लगाया हूँ, ठीक है। ये अगले मतलब पिछले जो वीडियो है मेरा उससे अलग है, तो ये भी बताओ ट्रैक साउंड कैसा है, ठीक है। और ये जो है मैं आपको मतलब स्लीपर का इंटीरियर दिखा देता हूँ कैसा है, पूरा रियलिस्टिक लग रहा है, ठीक है। पता ही है आपको TGP का मॉडल्स कैसा होता है, तो वैसा ही एकदम फर्स्ट क्लास मॉडल है पूरा, एकदम रियलिस्टिक फील दे रहा है, ठीक है। अब तुम लोग बताओ कैसा लग रहा है कमेंट में, मुझे तो बढ़िया लग रहा है, मतलब लग रहा है नहीं, मुझे बढ़िया ही लगता है, इसलिए परचेस किया हूँ, ठीक है। और ये ज़बरदस्त ट्रैक साउंड के साथ मैं आपको आज का W7 दिखा देता हूँ, जो कि टाटा शेड का है। और इसको जो है ये डार्क नाइट प्रोडक्शन के अंडर में जाता है, ठीक है। तो बताओ यार, पूरा डस्टी शेड है, कैसा लग रहा है ये W7 आपको, ठीक है। ये फ्री मॉडल है, अगर आपको चाहिए तो आप डार्किंग बोल रहे हो, darknight.in में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो ठीक है। अभी ये जो है ओदिना जंक्शन बोल रहे हो, ओदिना स्टेशन आने वाला है, मैं आपसे मिलता हूँ वहाँ पर, ठीक है। तो अभी जो है हम लोग ओदिना रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं, तो आप लोग स्किप का मजा लो, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। और भाई ऑडिनो को पूरा 130 में हम लोग ने पूरा स्किप किया है, ठीक है। तो बताओ एकदम खटाखट ट्रैक साउंड के साथ कैसा लगा आपको स्किपिंग। और इसके बाद हमारा एकलागी जंक्शन पे स्टॉप होने वाला है, क्योंकि उधर से हमारा ट्रेन जो है राइट साइड में बालूरघाट की तरफ मुड़ जाएगी, और सीधा जो लाइन है वो चला जाएगा बरसुई जंक्शन की तरफ। तो ठीक है, ट्रैक साउंड का मजा लो, गेम प्ले का मजा लो, मैं आपके साथ हूँ। और अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा वीडियो तो सब्सक्राइब करके जाओ यार, मैं बोल नहीं रहा सब्सक्राइब करने को, तो आप लोग कर भी नहीं रहे, ये सब ठीक नहीं है, ठीक है। सब्सक्राइब करो, इतना अच्छा अच्छा वीडियो ला रहा हूँ मैं, इतना आलसी आदमी हूँ फिर भी आप लोगों के लिए इतना ला रहा हूँ, और आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ये अच्छी बात है, बोलो बोलो, ये अच्छी बात है, नहीं है ना, तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अभी जो है मैं इस ट्रेन का आपको कुछ कॉम्पोजिशन बता देता हूँ। ये जो ट्रेन है सियालदह बालूरघाट एक्सप्रेस, टोटल 14 कोचेस को लेके चलती है, जिसमें आपको आपका गया, ठीक है, 4 स्लीपर क्लास हो गया, 2 AC 3 इकोनॉमी क्लास हो गया, 1 AC 1 टायर, 1 AC 2 टायर और 2 AC 3 टायर हो गया, ठीक है। और बाकी दोनों जनरेटर कार, तो टोटल 14 कोच हो गया, ठीक है। तो अब कोच कॉम्पोजिशन बता दिया हो, अगर आपको कहीं जाना है इस ट्रेन में तो आप चले जाना टिकट कट के, हमको क्या, मुझे तो नहीं ले जाओगे ना, मुझे खुद के पैसे से जाना पड़ेगा, ठीक है। तुमको बता दिया कोच कॉम्पोजिशन, अब मौज करो। और फिलहाल जो है हम लोग एकलाखी जंक्शन को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, एक मॉडरेट स्पीड में। तो आप अराइविंग एंजॉय करो, मैं आपके साथ बने रहता हूँ। आज सामने एक लेवल क्रॉसिंग है, ठीक है, जिसके पहले हम धीमे धीमे
लाइन चेंज अपना कर चुके हैं, तो ठीक है, देखते कौन सा नंबर प्लेटफॉर्म पे हमको दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक और बार हमारा ट्रैक चेंज हो गया है। अब देखते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पे दिया जाता है हमको। और पार्ट वन में मैं आपको एकलाकी जंक्शन तक ही दिखाता हूँ, सेकंड पार्ट में मैं गाजोल तक दिखा दूँगा और थर्ड पार्ट में बुनियादपुर तक। तो मेरा वीडियो का जो एवरेज व्यू टाइम है वो बरकरार रहेगा, नहीं तो तुम आलसी लोगों के वजह से मेरा चैनल जो है मतलब डाउन में चला जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। ठीक है, और अप्रोच कर चुके हैं, देखो धीरे धीरे यहाँ पे डिपार्ट डिपार्ट बोल रहा हूँ, फिर से मेरा दिमाग चला गया है। अराइविंग कर रहे हैं और रोक देंगे। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे इसके सेकेंड पार्ट में बहुत ही जल्दी। तो तब तक के लिए मेरा चैनल देखते रहो, मौज करते रहो, और क्या, पढ़ाई तो नहीं करना है तुमको ज़िंदगी में, बस यही सभी करते रहो। सो टाटा, अच्छे से रहना, ठीक है, जो काम है अपना वो करते रहो, मैं चलता हूँ, बाय बाय, सायोनारा। अच्छा, पहले ट्रेन को तो रोक लूँ, नहीं तो ये चलता ही रहेगा और एकलाकी जंक्शन पे पैसेंजर लोग मुझे गाली देंगे। हाँ, तो रोक दिया हूँ अच्छे से। और जिस जिसने यहाँ तक पूरा वीडियो देखा है वो लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है, उन लोगों के लिए एक सरप्राइज़ होने वाला है, मतलब लाने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।